तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टाइल द रिएक्ट कंपोनेंट्स। मैं रिएक्ट कंपोनेंट्स को किस तरीके से स्टाइल कर सकता हूँ, यानी कि CSS यूज कर सकता हूँ, इनलाइन और एक्सटर्नल, ठीक है। और मैं CSS के फ्रेमवर्क्स किस तरीके से यूज कर सकता हूँ रिएक्ट के अंदर, वो हम इस वीडियो में आज कवर आउट करेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले वेस टू स्टाइल द रिएक्ट कंपोनेंट्स, कितने तरीके हो सकते हैं रिएक्ट कंपोनेंट को स्टाइल करने के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनलाइन CSS, उसके बाद नॉर्मल, फिर CSS मॉड्यूल्स एंड बूटस्ट्रैप टेलविंड CSS इंस्टॉलेशन। ये चार तरीके जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं रिएक्ट कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम इनलाइन CSS, ठीक है। ये किस तरीके से बनाई जा सकती है रिएक्ट के अंदर, वो देखते हैं कोड के थ्रू। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐप में जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले इस वाले कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो मुझे स्टाइल इनलाइन स्टाइल करने के लिए क्या लिखना होगा, मैं लिखना होगा p टैग, ठीक है, और इसके अंदर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसको साइड वाले बंद करते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, ओके, और उस स्टाइल के अंदर मैं लिखूंगा एक और कर्ली ब्रेसिस, और इसके अंदर लिखेंगे कलर और रेड, रेड में लिख देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली इसका कलर चेंज होना चाहिए रेड में, तो वो जो कि हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर कलर रेड आपका आ रहा है। तो ये है आपका इनलाइन लिखने का तरीका, CSS इनलाइन से लिखने का ये एक तरीका है रिएक्ट कंपोनेंट में, ठीक है। अब इसे एक और तरीके से लिख सकता हूँ वेरिएबल बना के, मतलब मैं लिखता हूँ लेट टेक्स्ट कलर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद मैं लिखता हूँ कलर अगेन डबल कोट्स के अंदर रेड, ये लिख दिया, और यहाँ पर इसको यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट कलर, तो आपका ये कलर आ गया, राइट। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब इसे मैं एक और चीज में भी यूज कर सकता हूँ कंडीशन में, मतलब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया एक्टिव नाम का, ठीक है, उसकी वैल्यू ट्रू रख दी, ठीक है। अगर वो एक्टिव हुआ तो उसका कलर हो जाना चाहिए रेड, अदरवाइज उसका कलर हो जाना चाहिए येलो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, टेक्स्ट कलर के अंदर वो CSS जाएगी जो इस कंडीशन को मैच करेगी। जैसे अभी मैंने एक्टिव के अंदर टू डाला, तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई की और यहाँ पे उसने रेड कलर से चेंज कर दिया, तो यहाँ पे चेंज हो गया। और जैसे ही मैं इसके अंदर फॉल्स करता हूं, तो यहां पर इसका कलर येलो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन बेस्ड भी CSS इनलाइन बना सकते हैं रिएक्ट कॉम्पोनेंट में, ओके। अगली जो आती है वो आती है आपकी नॉर्मल CSS। तो नॉर्मल CSS कैसी है, नॉर्मल CSS का मतलब आपकी फाइल बनाकर, जैसे हम फाइल नॉर्मल CSS बनाते हैं उस तरीके से फाइल बनाकर CSS को यूज करना क्लास के थ्रू, ठीक है। कैसे बताता हूं, तो मैं यहां पर एक फाइल बनाता हूं, इसका नाम रख देते हैं अपन ऐप CSS, ठीक है, और यहां पे CSS लिख देते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं डॉट, यानी क्लास चाहिए मुझे पैराग्राफ का टेक्स्ट, और इसमें कलर आपका रेड हो, ठीक है। दूसरा एक और बना लेते हैं पी टेक्स्ट, जब वो एक्टिव हो, ठीक है, तब जाके उसका कलर ग्रीन हो, राइट, सेमीकोलन लगा लेते हैं जैसे हम CSS में बनाते हैं, बढ़िया। उसके बाद अब यहां पे मैं इसे इंपोर्ट करा लूंगा। अब इसे इंपोर्ट कराने के लिए आपको कोई वेरिएबल कुछ बनाने नहीं है, जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा डायरेक्टली इसे इंपोर्ट करा लो। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऐप CSS.css, ठीक है, अब एक्चुअल में इंपोर्ट होगी, तो इस वाली को हटा देते हैं, ये पुरानी वाली को, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, एक और टैग बनाते हैं पी टैग, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं न्यू CSS फाइल, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लास के अंदर वो CSS फाइल यूज करूंगा जो क्लास का नाम है पी टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पर वो पी टेक्स्ट आपका आ रहा है विद कलर। अब जो मैंने एक और क्लास बनाई है इसको कैसे यूज किया जाए, तो इसका बहुत इजी तरीका है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रेसेस लगाए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर टिक, ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसेस लिखता हूँ एक्टिव, क्वेश्चन मार्क डाला, और मैंने लिखा अगर एक्टिव हुआ तो पी टेक्स्ट एक्टिव वाला कलर आ जाए, अदरवाइज पी टेक्स्ट नॉर्मल आपका क्या नाम लिखा था हमने पी टेक्स्ट, तो पी टेक्स्ट आ जाए, राइट। तो ये आपका अब एक्टिव के साथ भी चलेगा, मतलब तो अभी रेड कलर आ रहा है और जैसे ही मैंने इसको ट्रू किया तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन बेस्ड भी लगा सकते हो मल्टीपल क्लासेस को,
राइट right. जैसे मैंने कंडीशन लगाया, पहले अगर सेटिस्फाई हुई तो पहले ये वाली क्लास लग दे, अदरवाइज ये वाली क्लास आपकी इंप्लीमेंट हो जाए, राइट right? तो इस तरीके से आप यानी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं क्लासेस को कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब अगली बात आती है सीएसएस मॉड्यूल्स की। सीएसएस मॉड्यूल्स कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर वो देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक फाइल बनानी होगी सबसे पहले, जिसका नाम रखते हैं ऐप मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट। अब इसके बाद जब मॉड्यूल पे काम करें तो उसके बाद डॉट मॉड्यूल लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो वो मॉड्यूल काम ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद डॉट सीएसएस, तो इस तरीके से आप उसका फाइल का नाम लिख सकते हैं, राइट। फाइल का नाम डॉट मॉड्यूल लिखना जरूरी है डॉट सीएसएस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मॉड्यूल वाली सीएसएस बनेगी। इसके अंदर सेम टू सेम जैसे मैंने ये क्लास बनाई है, दोनों इनको कॉपी कर लेता हूं, सेम रखते हैं अपन, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर मैं एक टैग बना लेता हूं और इसके अंदर लिख देता हूं CSS मॉड्यूल, ठीक है। अब मुझे इस वाली फाइल को इंपोर्ट करना है, और ये मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का तरीका होता है अलग थोड़ा सा इंपोर्ट। जैसे हम कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं वैसे ही हमें इसको भी यानी इस CSS को इंपोर्ट करना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टाइल राइट फ्रॉम आपकी ऐप मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS को कॉल कराना। उसके बाद अब ये स्टाइल कैसे क्लास को कॉल कराएगा वो बताता हूं। तो यहां पे लिखूंगा क्लास नेम, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टाइल के अंदर जो मैंने पी टेक्स्ट नाम की फाइल बनाई है वो दो, यानी कि जो मैंने पी टेक्स्ट नाम की सीएसएस क्लास बनाई है वो मुझे दो। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल वाली फाइल में जो क्लास लिखी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आ रहा होगा। अब बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो पहला डिफरेंस ये आता है आपका, इसमें जो आप नाम देख रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट होगा, इससे आप अपने हिसाब से इसके क्लास का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पीटेक्स आ रहा है एक्टिव, आप इसको अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा डीप में होगा, वहां पर भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से भी रख सकते हो, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए मैं एक कॉम्पोनेंट बनाता हूं ऐप एग्जाम्पल नाम का डॉट जेएस, ठीक है, और यहाँ पे आर एफ सी ई लिखता हूं, तो ये आ गया आपका। अब मैं यहाँ पे इसको हटाया था पहले, और यहां पर मैं क्लास नेम यूज करता हूं पी अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहां पे कोई इंपोर्ट नहीं कराई क्लास, यानी मैंने कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं कराई, सीधा डायरेक्टली मैंने यूज कर लिया पी अंडरस्कोर टेक्स्ट। और इसको इस वाले कंपोनेंट को मैंने इस वाले में यानी कि ऐप वाले में इंपोर्ट करवा लिया। अब देखना ये एक्सेस कर रहा है उस क्लास को, राइट। यहां पर मैंने इसे डिफाइन किया हुआ है और उस फाइल के अंदर जो सीएसएस है, जो क्लास है, वो यहां पे एक्सेसिबल हो रही है, ठीक है ना। बट ये स्टाइल आपकी एक्सेस हो ही नहीं पाएगी। अगर मैं लिखता हूं यहां पे स्टाइल स्टाइल डॉट पी अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, और सेव करता हूं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि उसे वो मिलेगा नहीं, डिफाइन ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है, यानी कि आपने जो मॉड्यूल वाली बनाई है वो उसी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होगी और कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगी, बट जो आपने नॉर्मल सीएसएस बनाई है फाइल के साथ सीएसएस के साथ वो कहीं भी एक्सेस हो सकती है। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने कोई दूसरा कंपोनेंट यूज किया, वो दूसरा कंपोनेंट ये वाली सीएसएस एक्सेस कर पाएगा, ये दूसरा डिफरेंस है। ओके, तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, ये तो एरर आएगा। तो मैं लिख देता हूं पी अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, तो ये चल रहा है। ओके, अब इसके अंदर कंडीशन बेस कैसे रख सकता हूं, तो वो भी सिंपल है। आपको क्या करना होगा, जैसे मैं लिखता हूं अगर एक्टिव है तो ये यूज कीजिए, अदरवाइज सॉरी अगर एक्टिव है तो अंडरस्कोर एक्टिव यूज कीजिए, नहीं तो नॉर्मल वाली आपकी यूज होनी चाहिए। सो अभी देखो तो ग्रीन आ रहा है, राइट, और जैसे मैं इसमें चेंज करता हूं फॉल्स तो ये रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन बेस भी लगा सकते हैं इसे सीएसएस मॉड्यूल में, राइट। अगला आता है, वो आता है आपका बूटस्ट्रैप एंड टेलवेंट सीएसएस इंस्टॉलेशन। ये एक्चुअली फ्रेमवर्क है, इन फ्रेमवर्क को मैं कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ रिएक्ट कंपोनेंट का और यूज कैसे कर सकता हूँ वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बूटस्ट्रैप को देखते हैं, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है, और यहाँ पर डाउनलोड्स में चलते हैं, और डाउनलोड्स में नीचे जाते हैं तो यहाँ पर मुझे ये बताएगा कि npm यूज करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं करता हूँ यहाँ पे npm i इंस्टॉल के लिए यूज कर सकते हैं, और बूटस्ट्रैप ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल कर लेगा तो इंस्टॉल होगी आपके, ठीक है। अब यूज कैसे करें, तो यूज करने से पहले मैं एक चीज एक एक्सटेंशन डालूंगा, जरूरी है क्योंकि उससे वो मुझे बूटस्ट्रैप फाइंड करने में जो भी उसके अंदर सीएसएस यूज हुई है जो भी क्लासेस है वो फाइंड करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सीएसएस इंटेल इंटेलिसेंस, तो इंटेलिसेंस ये आ रहा होगा आपका इंटेलिसेंस फॉर सीएसएस। इस वाले को आपने इंस्टॉल करना है एंड रीलोड करवा लेना है, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप एक बार अपना वीएस कोड बंद करके दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है।
ओके सो अब मैं इंपोर्ट करता हूँ बूटस्ट्रैप को, तो इसका बड़ा इजी है, मैं लिखूंगा इंपोर्ट पाथ बूटस्ट्रैप, उसके अंदर डिस्ट, उसके अंदर सीएसएस, उसके अंदर एक फाइल होगी बूटस्ट्रैप min.css, ये वाली फाइल। अगर आपको ये ना समझ आए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर जाके बूटस्ट्रैप फाइंड कीजिए पहले, ठीक है, ये आपको मिल गया। उसके अंदर डिस्ट फाइल, उसके अंदर सीएसएस, और उसके अंदर एक होगी आपकी ये वाली फाइल बूटस्ट्रैप मिन, ये वाली बूटस्ट्रैप मिन डॉट सी एस एस। तो ये फाइल को आपने इंपोर्ट करवा लेना है, राइट। तो आपकी एक्चुअल में सी एस एस कनेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, मुझे यूज करना है, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं, तो मैं लिखता हूं पी टैग के अंदर बूटस्ट्रैप, बी बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं अपन क्लास नेम, और यहां पर इसे द्वारा देखते हैं पी फोर, तो ये आपका आ गया राइट, पी जीरो आपके, ये सारे के सारे जो भी बूटस्ट्रैप के अंदर यूज हो रहे हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वार्निंग, ओके सो मैंने वार्निंग लिखा, ठीक है, वार्निंग के बाद देखा तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपका बूटस्ट्रैप पैडिंग के साथ एंड वार्निंग के साथ आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। अब बात आती है टेलविंड की, मैं टेलविंड को कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी बहुत ईजी है, इसको बंद कर लेते हैं अपन, और यहाँ पर लिखते हैं टेलविंड सी एस एस, ठीक है, एंड इसके इंस्टॉलेशन पे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉलेशन बता रहा होगा, और यहाँ पर मैं जाता हूँ फ्रेमवर्क गाइड में, और यहाँ पर देखो लिखा रहा है क्रिएट रिएक्ट ऐप, राइट, और इसने तरीके बताए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये मैंने बना लिया है, अब मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल कॉपी पेस्ट मारा, और ये इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉल हो गया, ओके। उसके बाद कह रहा है कि इंस्टॉल रिवेयर ऑफ द npm एंड रीइनिट, ओके, एंड देन उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे इस तरीके से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, तो दो फाइल बन चुकी होगी, कौन कौन सी, tailwind.config.js postcss.config.js, ठीक है, तो ये फाइल्स बन चुकी होंगी, अगर मैं दिखाऊं तो, इसको बंद करें सबको, तो ये एक ये और आपकी ये दो फाइल्स आपके लिए बन चुकी हैं, राइट। उसके बाद कहता है कि कन्फिगर करो tailwind.config के अंदर, ये कॉपी करके यहाँ तक, ठीक है, हम कर लेते हैं, कहाँ पे करना है, कंटेंट के अंदर, ओके सो कंटेंट के अंदर आप यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट मारो, गुड। उसके बाद कहता है कि टेलविंड डायरेक्टरी बनानी है, एड दी दिस इन द ईच टेलविंड लेयर ऑफ द इंडेक्स सीएसएस, जो आपकी अगर इंडेक्स यूज हो रही है, तो मैंने अभी इंडेक्स यूज नहीं किया, तो मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल, चलो इंडेक्स यूज कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर इसे हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे इस तरीके से इसे पेस्ट मार दें, ठीक है, और इस सबको बंद कर लें पहले, ओके गुड। उसके बाद कहता है npm स्टार्ट करो, ठीक है, तो फिर मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे उसे इंपोर्ट कराना जरूरी है इंडेक्स फाइल को, नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो एक्चुअल में आपकी टेलविंड कनेक्ट हो गई है, बहुत इजी था, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे इसके लिए भी एक्सटेंशन चाहिए, जिसका नाम है अपन लिखते हैं टेलविंड, तो आप देखो ये आ रहा है आपका टेलविंड सीएसएस इंटेलिसेंस, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ये भी जरूरी है, ठीक है। एंड अब देखो अगर मैं यहां पर एक और पी टैग बनाता हूं, लिखता हूं टेलविंड सीएसएस, ठीक है, उसको थोड़ा स्पेस डाल दे, ओके okay, अब मैं लिखता हूँ क्लास नेम, तो अगर मुझे यहाँ पे जैसे अगर पैडिंग देनी है, तो मैं लिखता हूँ पैडिंग, तो इस तरीके से आप पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा इसमें p-4, ठीक है, और टेक्स्ट मुझे रेड देना है, तो टेक्स्ट रेड कितना देना है आपको, 500, तो 500 दे दिया मैं, तो आपका ये आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप अपना टेलविंड को यूज कर सकते हैं अपने कोड में, ओके सो ये था आज के इस वीडियो में, आज हमने क्या क्या कवर आउट किया, आज हमने देखा कि स्टाइल कैसे कर सकता हूँ रिएक्ट कंपोनेंट को, और कितने तरीके से स्टाइल हो सकती है, तो हमने पढ़ा इनलाइन के बारे में, नॉर्मल सीएसएस के बारे में, फिर मॉड्यूल सीएसएस कैसे बन सकती है वो देखा, फिर हमने देखा कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड को मैं कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड पढ़ते रहिए।